Yashamati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana Yashamati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dhana Madana Manohara Gopi Parana Dhana Madana Manohara Kaliyadamana Vidhana Kaliyadamana Vidhana Amala Harinam Ameya Vilasa Amala Harinam Ameya Vilasa Vipina Purandara Navina Nagaravara Vipina Purandara Navina Nagaravara Vanshivadana Suvasa Vanshivadana Suvasa Braja Jana Palana Asura Kula Nashana Braja Jana Palana Asura Kula Nashana Nanda Godhana Rakhavala Nanda Godhana Rakhavala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundara Nanda Gopala Sundara Nanda Gopala Yamuna Tata Chara Gopi Vasanahara Yamuna Tata Chara Gopi Vasanahara Rasa Rasika Kripa Maya
रास रसिक कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाश्रय यशोमति नंदन व्रज वर नाकर गोकुल रंजन काना श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा गोपीनाथ की जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से गोदावरी के तट पे कोवूर में मिले पहली बार। उनके इस पहले मिलन में क्या हुआ, इसकी चर्चा संक्षेप में आज सुबह हम कर रहे थे। महाप्रभु और रामानंद राय दोनों ही संतुष्ट नहीं थे थोड़े समय के मिलन से, तो वो चाहते थे कि लंबे समय के लिए वो एक दूसरे के संग को प्राप्त करें। तो पुनः उसी दिवस शाम के समय महाप्रभु गोदावरी में के तट पे आए, वहाँ स्नान किया और बैठे, और रामानंद राय एक सेवक को लेकर वहाँ पर पहुँचे और एकांत स्थान में दोनों महाप्रभु और रामानंद राय कृष्ण कथा करने के लिए चले गए। अब यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध या संवाद प्रारंभ होता है, जिसमें हमारे संप्रदाय के, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो भी मूल सिद्धांत हैं, जो तत्व हैं, इनसे इस संवाद से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत मूल या बुनियादी प्रश्न चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं और इस बुनियादी प्रश्न से ये सारा संवाद के ऊपर ये सारा संवाद आधारित है। तो महाप्रभु प्रश्न करेंगे और रामानंद राय उत्तर देंगे। प्रभु कहे पौड़ श्लोक साध्य नर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति होए। पौड़ श्लोक साध्यर निर्णय, निश्चित रूप से बताओ कि हमारे लिए साध्य क्या है। साध्य अर्थात जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट रूप से जरा बताओ। और शास्त्रों के प्रमाण को रखते हुए कोई श्लोक कहो इस बात की पुष्टि करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी हम लोग किसी को, साधारण व्यक्ति को पूछेंगे अचानक, उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हो जाएगा कि भाई ऐसे कैसे प्रश्न पूछ लिया आपने, जीवन का उद्देश्य इसके बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं है, ये क्या चीज़ होती है, जीवन का ध्येय ये सब क्या है। भाई पैसे कमाओ, मौज करो, ऐश करो, तो यही बस है जीवन, और क्या है इसमें। तो न लोगों को सोचने का समय है, न सोचने की इच्छा है, न कि उनके जीवन में ऐसे कोई संग है जिसके द्वारा वो ऐसे दार्शनिक तत्वों के बारे में विचार कर सकें। प्रेरणा चाहिए ना हर चीज़ के लिए। जब संग ही बुरा हो तो फिर ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के प्रश्न उठेंगे ही नहीं। तो इसलिए महाप्रभु यहां से प्रारंभ कर रहे हैं सारा संवाद, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको कहते हैं साध्य, परिपूर्णता की अवस्था। साध्य को प्राप्त किया जाता है साधन से, साधन और साध्य। इसलिए हम जिस भक्ति का पालन कर रहे हैं इसे साधन भक्ति कहते हैं, क्योंकि हम साधना के स्तर पे हैं। साधना अर्थात अभ्यास, अभ्यास मात्र कर रहे हैं, परिपूर्णता के स्तर को हम प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक। जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब हम साध्य भक्ति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो दो अवस्थाएं हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साध्य अर्थात परिपूर्ण, सबसे ऊंचे। उसी तरह से जीवन का साध्य क्या है
और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन कौन सा है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जब लोगों को ये नहीं पता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो जो भी वो कल्पना करेंगे अपने मन से कि जीवन का ध्येय ऐसे है या वैसे है, वो गलत ही होगा, क्योंकि उनका आधार ही गलत है, आधार ही शरीर है। तो शरीर के आधार पे उनकी विचारधारा जब चलती है तो आगे चल के जो भी कुछ क्यों ना वो विचार करें वो गलत ही होगा। तो जब हम समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं और प्रेम का संबंध भगवान के साथ मुझे स्थापित करना है, ये जीवन का ध्येय है, तब तक व्यक्ति कैसे अपने साधन को सही समझेगा। साध्य का विचार ठीक नहीं है तो साधन भी तो गड़बड़ ही होगा ना। इसलिए महाप्रभु यहां से प्रारंभ करते हैं और राय क्या कहते हैं, राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति होए। स्वधर्म के आचरण से विष्णु प्रसन्न होते हैं, स्वधर्म का पालन करना ही विष्णु भक्ति है। स्वधर्म अर्थात क्या, अर्थात हमारे वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य। आप तो जानते हैं कि चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं वैदिक सभ्यता में। चार वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार आश्रम हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो ये सामाजिक स्तर हैं और आध्यात्मिक स्तर हैं। तो जब समाज में इन आठों प्रकारों के वर्गों का पालन किया जाता है और जो शास्त्र में इन वर्गों के लिए नियम आदि बताए गए हैं, लोग इनका पालन करते हैं, तब मनुष्य जीवन ठीक ठाक चलता है। तो ये सारी व्यवस्था इसलिए बनाई है भगवान ने, स्वयं भगवान ने ही बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि भगवान के प्राप्ति की ओर सारा मनुष्य समाज धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता रहेगा, ये उद्देश्य है। परंतु जब व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाना चाहिए, क्यों प्रसन्न किया जाना चाहिए, तो फिर सब जगह उत्पात हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह कि आजकल मनुष्य समाज का उद्देश्य है कि कैसे भगवान को अप्रसन्न किया जाए, ये साध्य है सारे समाज का, भगवान को नाराज कैसे किया जाए। परंतु जीवन का उद्देश्य है भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान के योजना का पालन करना। भगवान ने सारे समाज के लिए एक योजना बनाई है, हम सब के लिए भगवान की योजना है। तो जब इस योजना का पालन हम नहीं करते हैं तो फिर उपद्रव मच जाता है। तो ये वर्णाश्रम धर्म क्यों बनाया है भगवान ने, क्योंकि हम सब की प्रवृत्तियां, हम सब का स्वभाव अलग अलग है, और कोई तो ज्ञान अर्जन में अपना समय बिताना चाहता है, कोई बहुत क्रियाशील होकर नेतृत्व संभालना चाहता है, किसी के मन में व्यवसाय आदि की वृत्ति ज़्यादा है, पैसे कमाना कैसे क्या करना है इसमें ज़्यादा रुचि लगती है उसको। तो ऐसे विविध प्रकार के लोग हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग कर्तव्य माने जाते बताए गए हैं, उनके लिए अलग अलग नियम भी हैं। तो जब सारे मनुष्य अपने अपने वृत्ति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार किसी विशेष वर्ण और विशेष आश्रम के नियमों का पालन करेंगे, तब वो व्यक्ति भी शांत रहेगा, सारे समाज में भी शांति होगी। परंतु जब भगवान ने बनाए हुए पद्धति को हम स्वीकार नहीं करते हैं और मनमाने ढंग से जो हमें चाहे हम वो करना चाहते हैं, तो फिर कैसे समाज में शांति हो सकती है। परंतु ये एक प्रारंभिक स्थान है। ये वर्णाश्रम धर्म अभी कलयुग में
प्राय लुप्त हो चुका है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये अभी केवल एक प्रतिबिंब मात्र रह गया है, अभी जो देखा जाता है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं वो बड़े बड़े योजनाएं आदि बनाते तो हैं, लेकिन उनके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए समाज का हित नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों के हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, परंतु उनका भी हृदय शुद्ध नहीं है, सही मार्गदर्शन उन्हें करने वाले भी नहीं हैं। जिनकी वृत्ति व्यवसाय आदि में है, धन कमाने में है, वो लोग धन तो कमा रहे हैं परंतु स्वार्थी भाव से, भगवान की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं। तो इस तरह से सारे समाज में भगवान के बनाए हुए एक जीवन शैली और पद्धति को ठुकराने के कारण असंतुलित अवस्था सब जगह उत्पन्न हो गई है। कलयुग में यद्यपि अभी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना आसान नहीं है, प्राय असंभव है, फिर भी हम सब मिलके अपने अपने कर्तव्यों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। महाप्रभु ने जब ये बात सुनी कि जीवन का उद्देश्य है कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना, तो उन्होंने कहा एहो बाह्य आगे कहो आर, ये बाह्य चीज है आगे कहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भी तो भगवान ने ही बनाया है ना, मनुष्य समाज के लिए बनाया है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? नहीं, चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मया सृष्टम भगवान कहते हैं, मैंने बनाया हुआ ये वर्णाश्रम धर्म है, फिर भी भगवान कहते हैं ये बाह्य है। बाह्य क्यों है? क्योंकि देखिए ये वर्णाश्रम धर्म भी सत्व रजस तमस इन तीन गुणों के अधीन है, ये भी भौतिक क्षेत्र से ही संबंधित हैं। और यद्यपि इनका उद्देश्य है कि अंततः व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करे, फिर भी इन वर्णाश्रम धर्म के नियमों में से विधि निषेधों में ऐसे कोई कृष्ण भक्ति की प्रधानता दिखाई नहीं पड़ती है आसानी से। तो हर एक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के विविध प्रकार के नियमों में इस तरह से उलझ जाता है कि वो देख नहीं पाता है कि अंततः इसका उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना वास्तव में वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है, परंतु जब व्यक्ति भौतिक जीवन में इतना उलझ जाता है और इतने सारे विधि निषेधों का पालन करता है, इस प्रकार की उपासना उस प्रकार की उपासना, तो वो ध्यान नहीं रह जाता है कि भगवान कृष्ण ही केंद्र बिंदु है। तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति हो सकता है निराकारवादी बन जाए, मायावादी बन जाए, धार्मिक होते होते भी निराकारवादी बन जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत खतरा है इसमें, और आजकल लोगों के पतित अवस्था के कारण सारा वर्णाश्रम धर्म अभी खतरे में आ गया है। लोग शुद्ध जीवन नहीं जी रहे हैं, और सारे वर्णाश्रम धर्म में भी, क्योंकि कृष्ण भगवान इतने आगे चलकर दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो लोग सोचते हैं कि चलो इनकी देवताओं की सेवा करना ही हमारा धर्म है, और किसी पितरों की सेवा करना हमारा धर्म है, समाज की सेवा करना हमारा धर्म है। इस तरह से विविध धारणाएं धर्म के प्रति लोगों के मन में रहती हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य, ये सब बाह्य है। जहां तक भगवान की भक्ति की बात है,
भगवान की भक्ति तो इस भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, परे है। भगवान के भक्ति का कोई संबंध इस भौतिक जगत से नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म यद्यपि भगवान की सृष्टि है, भगवान का सृजन है, फिर भी भौतिक जगत से संबंधित है, और भगवान की भक्ति ये भौतिक जगत से परे है। और हमें दोनों को एक नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी गलती होगी। दोनों अपने जगह में ठीक है, परंतु हमारा उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। इसलिए महाप्रभु ये नहीं कहते हैं कि तुम गलत कह रहे हो, वो कहते हैं एहो बाह्य, और आगे बढ़ो। और वैसे अपने बात की पुष्टि करने के लिए राय रामानंद विष्णु पुराण का एक श्लोक भी कहते हैं, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेन परह पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सारे नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए। नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। केवल कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता रहे अच्छी तरह से, परंतु उसे पता नहीं कि उद्देश्य क्या है, क्या फायदा। देखिए, एक व्यक्ति शहर में गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब उसे सारे नियम, सड़क के जो नियम हैं, गाड़ी चलाते समय कौन से नियम होने चाहिए, वो उसे अच्छी तरह से पता है। वो इतनी अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है, हर एक नियम का पालन करता है, सूक्ष्म से छोटे जो नियम होते हैं उनका पालन भी करता है। सारे शहर में घूमता है, आदर्श वाहन चालक है वो। किसी को सीखना है कि कैसे वाहन चलाना है तो ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए। इसके अंदर एक ही कमी है। क्या है कमी? उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। गाड़ी चला रहा है बढ़िया, इतनी अच्छी तरह से गाड़ी चला रहा है, कोई भी दोष नहीं दिखा सकता इसका कि आपने यहां बाएं मुड़ते समय बत्ती नहीं दिखाई। बिल्कुल सही चला रहे, लेकिन ध्येय पता नहीं, मैं गाड़ी कहां लेके जा रहा हूं, क्या फायदा। ठीक उसी तरह से जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन बिल्कुल अच्छी तरह से करते हैं, छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि कहां जा रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, अंततः हमें कहां पहुंचना है, ये सब ज्ञान उनके पास नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ये बाह्य है, कुछ आगे कहो। यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से गाड़ी चलाता है और उसको पता है कि उद्देश्य कहां जाना है मुझे, तो वो श्रेष्ठ है। और एकाध बार क्या होता है, कभी यहां वहां थोड़ा बहुत नियम टूट जाता है, कभी बाएं चलते समय बत्ती नहीं दिखाई, कभी गलत ढंग से हमने दूसरी गाड़ी से आगे हम चले गए। भारत में तो खूब होता है ना ये, यहां तो सड़कों पे तो मेला है, आप तो जानते हैं भारतीय सड़क क्या है, मेला। जो मन में आए व्यक्ति करता है, जहां गाड़ी घुसा करते। अभी हम लोग सफर कर रहे हैं ना राजमार्ग में, हम देखते हैं कैसे कहां कहां से गाड़ियां ले आते हैं, बीच में कहीं बाएं दाएं, जो मन में आए सो करते हैं। तो हम आते हैं तो थोड़ा बहुत यहां वहां कुछ छूट हो भी जाए, परंतु कम से कम उद्देश्य क्या है ये पता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि उद्देश्य को जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए बात को आगे बढ़ाओ। एहो बाह्य, आगे कहो आर। तो पहला उनका जो प्रस्ताव महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, तो दूसरा प्रस्ताव रामानंद राय सामने रखते हैं, कृष्णे कर्मार्पण सर्वसाध्य सार।
हमारे कर्मों के फलों को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना, यही हमारे जीवन का ध्येय है, यही समसिद्धि का सार है। तो ठीक है, रामानंद राय भी मान लेते हैं वर्णाश्रम धर्म केवल बिना कोई उद्देश्य के ऐसे करना ये ठीक नहीं, परंतु अब हम जो भी कर्म करेंगे वर्णाश्रम धर्म में, हम श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे उनके फल। यत् करोषि यदश्नासि, यज् जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी कार्य तुम करोगे, यत् करोषि यत् अश्नासि, जो भी तुम खाओगे, जो भी तुम दान दोगे, जो भी तपस्या करोगे, जो भी कुछ अर्पण करोगे, वो मुझे अर्पण करके करो। तुम्हारे कर्मों के फल मुझे अर्पण करो। इस तरह से कर्म फल त्याग, पहले वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म आचार, फिर अभी बोल रहे हैं कर्म फल त्याग या कर्म फल समर्पण, भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्मों के फल समर्पित करना। परंतु यह भी एक पूर्ण आध्यात्मिक अवस्था नहीं है। जो व्यक्ति इस तरफ से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो भी जाते हैं, फिर भी वो वैकुंठ लोक को नहीं प्राप्त होते। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो स्थान है, वहां वो लोग जाते हैं। पूर्णतया आध्यात्मिक नहीं होने के कारण महाप्रभु कहते हैं उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो कहते हैं एहो बाह्य आगे कहो आर, ये भी बाह्य है रामानंद राय, आगे कुछ कहो। तो दूसरा प्रस्ताव भी जब नहीं मानते हैं महाप्रभु, तो फिर रामानंद राय कहते हैं स्वधर्म त्याग एई साध्य सार। स्वधर्म त्याग अर्थात वर्णाश्रम धर्म के नियमों को त्याग कर संन्यास लेना चाहिए। संन्यास लेने से हमारे जीवन की सफलता प्राप्त होगी, ये जीवन का उद्देश्य है संन्यास लेना। ऐसे कहेंगे तो भाई प्रवचनों में कोई आएगा ही नहीं। हाँ, अभी वो सन्यासी को कह रहे हैं तो अलग बात है, महाप्रभु तो सन्यासी थे ना। अब जाके भरी सभा में हम कहने लगे जीवन का ध्येय है सन्यास लेना, तो आजकल का जमाना ऐसे जेल में डाल देंगे। ऐसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, है ना। तो सन्यास लेना अर्थात ठीक है, ये सारे वर्णाश्रम धर्म के कार्य भौतिक क्षेत्र के हैं, तो कर्म त्याग या स्वधर्म त्याग, हमारे वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को त्याग कर संन्यास आश्रम स्वीकार करना। क्योंकि कर्म फल त्याग में भी, यद्यपि हम कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करते हैं, फिर परंतु वो कर्म तो भौतिक होते हैं ना, इसलिए इन भौतिक कर्मों को ही त्यागना चाहिए, ऐसे रामानंद राय कहते हैं। ये तीसरा उनका प्रस्ताव है। और भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक को वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों को त्यागो और मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। तो महाप्रभु ये सुन लेते हैं, तीसरा प्रस्ताव था ये रामानंद राय का, एहो बाह्य आगे कहो आर, ये भी बाह्य है आगे कहो आर। क्योंकि संन्यास लेकर भी और भी कुछ होना चाहिए ना, केवल संसार को त्याग दिया, लेकिन जब तक किसी चीज को प्राप्त नहीं करेंगे जो कि संसार से श्रेष्ठ है, तो ऐसे संन्यास में, ऐसे कर्म त्याग में क्या लाभ है।
यह संसार को खोकर किसी और श्रेष्ठ वस्तु को पाना है तो कौन सी है वो श्रेष्ठ वस्तु जिसको हमें पाना है, इसके बारे में नहीं बताया कुछ रामानंद राय ने अभी तक। इसलिए महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य, तो भगवद गीता के और एक श्लोक बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होता है वो ब्रह्म का साक्षात्कारी हो जाता है और सदैव आनंद की अवस्था में रहता है। वो न कभी किसी चीज़ के लिए शोक करता है, न हर्षित होता है, और ऐसे अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को वो प्राप्त करता है। तो इसमें राय बोल रहे हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। चलो सन्यास कर्म त्याग को तो छोड़ दिया, महाप्रभु ने एहो बाह्य कह दिया, तो अब रामानंद राय कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। तो ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा श्लोक में ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति ज्ञान योग के सहारे से फिर भगवान के शरण को स्वीकार करता है ये ज्ञान मिश्र भक्ति है। ऐसे ज्ञान में भी भक्ति का मिश्रण होता है, फिर भी महाप्रभु इतने संतुष्ट नहीं है। एहो बाह्य, आगे कहो आर। तो देखिए धीरे 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 से महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी बातों को ऊपर उठा रहे हैं, क्रमशः एक स्तर से दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे ऊपर 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 उठाते जा रहे हैं उनके सिद्धांतों को। तो उनके पांचवें स्तर को भी ज्ञान मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र चौथे प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एहो बाह्य, आगे कहो आर। फिर रामानंद राय ने तुरंत जवाब दिया ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार, अर्थात न इसमें कर्म है न ज्ञान है। कर्म अर्थात सकाम कर्म। तो पहले कर्म फल त्याग में क्या था, ये कर्म मिश्र भक्ति, और अभी अभी बताया वो ज्ञान मिश्र भक्ति, जिस भक्ति में हमारा कोई स्वार्थ होता है, या तो भोग का, ये भौतिक जगत की कोई चीज को प्राप्त करने का, या निराकार ब्रह्म में लीन होने का, तो ऐसे भक्ति को हम कर्म मिश्र या ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। तो अब रामानंद राय अपना पांचवा प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं ज्ञान शून्य भक्ति, जिसमें न भौतिक कर्म न स्वार्थी ज्ञान का कोई मिलावट है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर श्लोक का उल्लेख करते हैं जो कि ब्रह्मा जी ने कहा था श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमन्त्य एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्राय सो जित जितप्यसित स्त्रीलोक्याम। प्रसिद्ध श्लोक है ये, प्रभुपाद जी ने भी श्लोक को बार बार दोहराया था। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति ये निराकार ज्योति आदि ज्ञान योग के मार्ग को त्यागता है और अपने ही स्थान में स्थित होकर ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है, साथ साथ जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, कि भगवान के आपके भक्तों के मुख से वो आपकी कथाओं को सुनता है अवश्य, और साथ साथ में श्रुति कथाम तनुवान मनोभिर, अपने तन, काया और वचनों के द्वारा
आपको नमस्कार करता है, आपकी सेवा करता है, वो आपको जीत सकता है। यद्यपि आपका नाम है अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता, फिर भी इन बातों को पालन करने वाला व्यक्ति जो भक्त होगा वो आपको जीत पाएगा। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है और ये वास्तव में शुद्ध भक्ति की बात हो रही है, जिस भक्ति में कोई मिलावट नहीं है। जब हम किसी भी चीज की शुद्धता की बात करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है होता है, ये शुद्ध दूध है, ये शुद्ध पानी है, तो शुद्धता शब्द का अर्थ क्या है कि उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, सही है ना, तब हम किसी चीज को शुद्ध मानते हैं। तो शुद्ध दूध क्या है जिसमें पानी नहीं है, संभव है आजकल? अपने गाय रखेंगे तो संभव है। तो जिस पानी में और कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है, कुछ और मिलावट नहीं है, तो वो शुद्ध है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति क्या है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ना कर्म की मिलावट है ना ज्ञान की। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो रूप गोस्वामी ने ऐसे परिभाषा दी है शुद्ध भक्ति की, उत्तमा भक्ति की। वो भगवान कृष्ण की भक्ति है जिसमें ज्ञान और कर्म आदि का मिलावट नहीं है। तो अब चार बार तो महाप्रभु कह चुके हैं, एहो बाह्य आगे कहो आर, अब क्या कहेंगे वो? ये भी एहो बाह्य कहेंगे? उन्होंने कहा एह होय, एह होय मतलब ये सही, फिर भी आगे कहो यार, ये सही बात कही। अब जब उनका पांचवा प्रस्ताव उन्होंने रखा तो उन्होंने बात को मान ली, ठीक है जो कहा आपने सही है, यह शुद्ध भक्ति, फिर भी आगे बढ़ो। तो रामानंद राय को वो ऊपर 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 उठाते जा रहे हैं, उठाते उठाते उनको शुद्ध भक्ति के स्तर पर लाए। और शुद्ध भक्ति के स्तर पर लाने के बाद भी वो बोल रहे हैं और भी ऊपर जाओ, और भी आगे बढ़ो। एहो होय आगे कहो आर। तो अब ये जो स्तर है ज्ञान शून्य भक्ति का, ये वास्तव में परिपूर्णता का मूलभूत सिद्धांत है, तत्व है, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। और ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले महाप्रभु ने कहा था एहो बाह्य, ये बाह्य है सब, परंतु अब महाप्रभु ने कहा एहो होय, यही है, यही सही है, फिर भी आगे कहो। तो रामानंद राय ने कहा प्रेमा भक्ति सर्वसाध्य सार। प्रेमा भक्ति अर्थात जो स्वाभाविक प्रेम है, जिसमें व्यक्ति प्रेम करता है भगवान से केवल औपचारिकता के कारण नहीं, केवल विधियों के अनुसार नहीं, परंतु एक उत्कंठा होती है। और ऐसे स्वाभाविक प्रेम को प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो ज्ञान शून्य भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, परंतु ये शुद्ध भक्ति नियम पर आधारित है, विधियों पर आधारित है। बल्कि यहाँ की जो प्रेमा भक्ति का वर्णन उल्लेख रामानंद राय कहते हैं, वो केवल विधियों पर आधारित नहीं है, वो हृदय के आकर्षण पे, स्वाभाविक प्रेम पे आकर्षित आधारित है। फिर अभी वो बता रहे हैं कि खास करके
जो तीव्रता से भक्ति करना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति में भी दो स्तर होते हैं। एक जो विधियों के अनुसार प्राप्त किया जाता है, जो कि फिर वैकुंठ लोक में आगे जाते हैं वो भक्त, और दूसरे हैं जो वृंदावन के भाव में बहुत आतुरता से, उत्कंठा से वो भगवान का भजन करते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। रूप गोस्वामी ने भी इस श्लोक की पुष्टि की है कि यदि आप कृष्ण भक्ति रस का स्वाद लेना चाहते हो तो इस कृष्ण भक्ति रस को खरीदो, जहां से भी उपलब्ध है वहां से आप इसे खरीद लो। और इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य है लौल्य, लौल्यम अर्थात लोभ। जिस प्रकार से भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए लोग लोभी होते हैं, वैसे हमें कृष्ण भक्ति रस के लिए लोभी होना चाहिए, आतुर होना चाहिए, उत्कंठित होना चाहिए, बेचैन होना चाहिए कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, एक तरह की तड़प होनी चाहिए। जब तक ये तड़प नहीं होगी हमारे अंदर, तब तक हम इस प्रकार के स्वाभाविक प्रेमा भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब ये जो स्तर है प्रेमा भक्ति का, आगे चल के यही बुनियाद होगा महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में। सब कुछ अभी से आगे जो चर्चा होगी वो प्रेमा भक्ति के स्तर पे स्थित होगी। तो पहले से शुरू करते हैं, अभी 5-6 तो हो गए प्रस्ताव, एक के बाद एक 6 सीढ़ी है, उसमें से 6 सीढ़ियों तक हम चढ़े। पहला कौन सा था? वर्णाश्रम, वर्णाश्रम आचरण, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करना। दूसरा कर्म फल त्याग। तीसरा कर्म त्याग या संन्यास। फिर ज्ञान मिश्र भक्ति। फिर ज्ञान शून्य भक्ति। और फिर प्रेमा भक्ति। कि आप तो बहुत शास्त्री हो गए आप सब, कंठस्थ हो गए आपको सारे स्तर। तो ये 6 स्तर हैं। जब प्रेमा भक्ति के स्तर में आए अभी, तो महाप्रभु और भी प्रसन्न हुए और क्या कहा महाप्रभु ने? एहो हय। लेकिन एहो हय बस करोआर कहा उन्होंने, एहो हय आगे कहो आर। अब हम सोचेंगे प्रेमा भक्ति से भी ऊपर कुछ है क्या? और भी आगे है। तो कहते आगे कहो आर। तब रामानंद राय सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। ऐसे दास्य प्रेम में भक्त अपने आप को भगवान का दास मानता है। भगवान प्रभु हैं, मैं दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये एक प्रकार की ममता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि जब सेवक और सेव्य, भक्त और भगवान में एकता की भावना होती है, निराकारवादियों की तरह नहीं, परंतु एक हृदय की एकता, प्रेम की एकता, जिसमें भक्त भगवान को अपना मानता है। मम, मम मतलब मैं और मेरा, ममत्व मतलब मेरापन जैसे होता है, तो वहां से दास्य प्रेम की शुरुआत होती है। तो ममता ये दास्य प्रेम से होती है शुरू। जैसे हनुमान जी हैं,
दास्य प्रेम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यदि हनुमान को कहा जाए कि अरे देखो गोपियों का प्रेम वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ है, उसे क्यों नहीं स्वीकार करते, तुम गोपी बन सकते हो, तो हनुमान जी क्या कहेंगे? गोपियों के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरण धूलि मेरे सर पे मैं लगाऊंगा, सदैव उनकी धूलि सर पे रखूंगा, लेकिन मेरे आराध्य देव राम हैं, बस मैं राम को नहीं छोड़ सकता। इस तरह से अपने ही आराध्य में निष्ठा होती है, अपनापन होता है कि राम मेरे हैं। वैसे दो ये धारणाएं हैं, देखिए स्वाभाविक प्रेम की भक्ति जो है और साधारण शुद्ध भक्ति में। साधारण भक्ति में व्यक्ति सोचता है मैं भगवान का दास हूं, ठीक है, परंतु प्रेमा भक्ति के स्तर में जब ये स्वाभाविक प्रेम रहता है तो भक्त ये सोचता है कि भगवान मेरे हैं। पहले वो सोचता है मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का हूं, अभी वो सोचता है भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, ममत्व, कृष्ण मेरी संपत्ति है। वृंदावन में यही होता है ना, इसलिए तो सारे ग्वाल बाल आदि गोपियां, नंद महाराज, माता यशोदा कृष्ण को कुछ भी कह सकते हैं, ग्वाल बाल ही उनको धमकियां देते हैं, अभी छोड़ के जाओगे खेल को बीच में ही तो अगली बार नहीं लेंगे, तो कृष्ण घबरा जाते हैं कि अरे अब मेरा क्या होगा, अब इन लोगों ने मुझे ठुकरा लिया तो अगली बार मैं खेल नहीं पाऊंगा इनके साथ में। तो माता यशोदा के क्रोध को मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन इनके धमकी को नहीं सहन कर सकता। तो ये ग्वाल बाल कैसे इस प्रकार से धमकी दे सकते हैं भगवान को? ये है स्वाभाविक प्रेम। तो ये है ममत्व पे आधारित प्रेम। तो ये ममत्व की शुरुआत दास्य प्रेम से ही होती है। हनुमान जी के बारे में भी ऐसे ही कहा है ना, हनुमान को अपना परिचय भी भगवान के संबंध में होता है। रावण ने पूछा ना, जब लंका जलाने गए हनुमान और इंद्रजीत ने उनको पकड़ लिया, पकड़ा तो नहीं, हनुमान स्वयं गए क्योंकि वो रावण को देखना चाहते थे, ये कौन है रावण जिसने कि सीता देवी का अपहरण किया है। तो रावण ने तो बहुत पकड़ने का प्रयास किया था, मारने का प्रयास किया था हनुमान को, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, इंद्रजीत भी सफल नहीं हो पाए। जब रावण ने पूछा तो हनुमान ने क्या उत्तर दिया, दासो हम कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः, मैं दास हूं, दासो हम किनका, कोसलेन्द्रस्य कोसल राज्य के राजा, रामस्य जिनका नाम है राम। तो जो कभी अपने कर्मों में थकते नहीं है, अक्लिष्ट कर्मणः, क्लिष्ट मतलब थक जाना, अक्लिष्ट मतलब कभी नहीं थकना, तो मैं वो श्री राम जो कि कौशलेंद्र हैं उनका दास हूं और वो कभी अपने कर्मों में थकते नहीं है, ऐसे राम का मैं दास हूं। तो ये दास्य प्रेम की बात यहां करते हैं रामानंद राय। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासा नाम अवशिष्यते। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, एक साधारण व्यक्ति भी भगवान के नामों का उच्चारण करके अपने हृदय को शुद्ध बना सकता है। तस्य तीर्थ पद किं वा दासा नाम अवशिष्यते। तो जब ऐसे भगवान जिनके चरण कमल तीर्थ स्थानों के आश्रय हैं, उनके जब सेवक होते हैं तो उनके लिए क्या असंभव है,
जब कोई साधारण आदमी भी भगवान का नाम लेकर अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है तो जो उनके प्रेमी सेवक होते हैं उन्हें कितना लाभ मिल सकता है। जो भगवान के दास होते हैं उनका क्या कहना। तो दास्य रस में भगवान का प्रेम करना ये बहुत ही विशेष बात है। ये संसार में हम जो भी संबंध देखते हैं ना वो भगवान के धाम में भी पाए जाते हैं, परंतु वो शुद्ध संबंध हैं और यहाँ के जो संबंध हैं वो विकृत प्रतिबिंब हैं उन संबंधों का। वहां पर दास्य है, यहाँ पर भी दास्य है, परंतु यहाँ पर दास्य में कड़वापन आ जाता है। मालिक के कारखाने में नौकरी करते करते व्यक्ति सोचता है नहीं ये हमारा ख्याल नहीं रख रहा है, ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चले जाऊंगा। भगवान के साथ ऐसे नहीं होता है, भगवान के धाम में कोई कड़वापन नहीं होता है, मिठास बढ़ते रहती है। तो महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं ये सुनकर, क्या कहेंगे, एहो बाह्य कि एहो हय, एहो हॉय, अभी से एहो हॉय करते रहेंगे वो, क्योंकि आप बुनियाद क्या थी, प्रेम भक्ति की बुनियाद थी, तो आप कहेंगे एहो हॉय दास्य प्रेम, आगे कहो आर। तो दास्य प्रेम की बात तो उन्होंने स्वीकार कर ली, फिर भी हाँ अच्छी बात है लेकिन और आगे बढ़ो। राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार, जो सख्य प्रेम है जिसमें कि भक्त अपने आप को कृष्ण का मित्र मानता है, कृष्ण को भी अपने बराबर मानता है, ये परिपूर्णता का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है, ऐसे रामानंद राय ने कहा। देखिए दास्य प्रेम में भक्त अपने आप को भगवान से निम्न श्रेणी का मानता है, मैं छोटा हूं, मैं दास हूं, भगवान प्रभु हैं, तो हम दोनों में बहुत अंतर है। परंतु जब सख्य प्रेम की अवस्था में भक्त होता है वो ऐसे भेद नहीं देखता, वो सोचता हम तो बराबर हैं, जब बराबर हैं तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना, हमारे बराबर के जो लोग होते हैं ऐसे कोई मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, मर्यादा का पालन उनके साथ विशेष रूप से होता है जो हमसे वरिष्ठ हैं, लेकिन हमारे जो बराबर के होते हैं हम कैसे भी बात कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं उनके साथ में। तो ऐसे रामानंद राय अभी सख्य रस की बात करते हैं, सख्य रस की बात करते करते फिर और एक सुंदर श्लोक यहां बताते हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में कहते हैं कि वो भक्त क्या सोचते हैं, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमी स्वामी, सख्य रस में बोलते हैं अरे कृष्ण तुम कौन से बड़े आदमी हो, हम तुम सब एक समान हैं। कृष्ण भगवान को असुर को भी वध करते हैं तो उनके ग्वाल बाल मित्र बोलते हैं हम लोग साथ में हैं इसलिए हो पाया, देखो मनोमंगल कहते हम तो ब्राह्मण है हमारे आशीर्वाद से ये सब हो रहा है तो इसलिए हमें नमस्कार करना भूलना नहीं, ये सब सख्य प्रेम है, ऐसे बोल सकते हैं और भगवान को ये सब पसंद है, अच्छा लगता है उनको ये सब सुनना, क्योंकि प्रेमा भक्ति पर आधारित है ये सब। तो यह और एक सुंदर श्लोक वो कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी श्लोक को कहते हैं, जो ग्वालबाल हैं जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे होते हैं वृंदावन में वो कितने भाग्यशाली हैं, इसकी पुष्टि इस श्लोक के माध्यम से वो करते हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूति भूत्या दास्यन गतानाम परदैवतेण मायाश्रितानाम नरदारकेण साकं विजहरुः कृत पुण्य पुञ्जाः। वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं
और वो भगवान कृष्ण को ऐसे ही मानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है। कोई लोग ऐसे हैं जो लोग भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, दास्यम गतानाम परदैवतेना, हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनका दास हूँ। मायाश्रितानाम नरदारकेना, कोई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, उनकी तरह ही एक मनुष्य है वो ऐसा समझते हैं। परंतु ये जो ग्वाल बाल हैं वो श्री कृष्ण के साथ बराबरी के भाव से खेल रहे हैं। न जाने इन्होंने किस तरह के पुण्य किए होंगे पूर्व जन्मों में, या इनकी सुकृति और पुण्य की पूंजी कितनी बड़ी है कि आज ये श्री कृष्ण को अपने बराबर के सोच रहे हैं। तो ये ग्वाल बाल कोई साधारण लोग नहीं है, हालांकि दिखते हैं गांव के बच्चे हैं, परंतु पूर्व जन्मों में ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब थे, बड़े तपस्वी थे, साधन भक्ति कर करके अनेक जन्मों से वो इस स्तर तक पहुंचे कि वो शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्त बनने के बाद प्रेमा भक्ति की अवस्था में आए, फिर सख्य रस को उन्होंने स्वीकार किया। वो लालसा थी उनको कि हम श्री कृष्ण के साथ सख्य रस में आस्वादन करना चाहते हैं, और इस तरह से आज उनको यह अवसर मिला है कि वो वृंदावन में ग्वाल बाल बने हैं। इनको साधारण गांव के बच्चे नहीं समझना चाहिए। तो रामानंद राय जब सख्य रस की बात करते हैं तो महाप्रभु और भी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी क्या कहते हैं, एहो बाह्य कहते हैं, एहो होय कहते हैं, एहो उत्तम, एहो उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है ये, आगे कहो, आप उत्तम है परंतु और भी आगे बढ़ो, सख्य रस से भी आगे और बात करनी है। डू वी हैव दिस? अच्छा, तभी आगे बढ़ने की बात आई तो भी थोड़े समय के लिए हम कथा को विराम देते हैं। गर्मी भी बहुत है यहाँ पे, आप सब लोग पंखे चला रहे हैं देने के लिए, तो अब थोड़ी देर के लिए कुछ हम नींबू पानी वगैरह पी लेते हैं। ठीक है, नींबू पानी का प्रसाद आप पा लीजिए और भाग में जाइए, आ जाइए वापस। हालांकि अभी विषय थोड़ा भारी है, ये दर्शन फिलॉसफी कुछ ज़्यादा ही है इस प्रसंग में, परंतु सुन लेना चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Sab badhiya bajaya tino ne. Hare Krishna. तो सब जग गए ना ठीक से संक्षेप में ही वैसे तो और कई प्रस्ताव एक के बाद एक रखते हैं लेकिन उतने चट्टान तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे सबको तो रामानंद राय जब सख्य रस की बात करते हैं और महाप्रभु कहते हैं एहो उत्तम ये उत्तम है फिर भी आगे बढ़ो आगे कहो आर राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार तो महाप्रभु कहते हैं ये आप जो बोल रहे हो सख्य रस के बारे में बहुत अच्छा है परंतु और भी कुछ कहो आगे बढ़ो तो रामानंद राय कहते हैं वात्सल्य रस में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में रखना ये समसिद्धि का स्तर है वास्तव में दास्य रस में व्यक्ति जो भक्त है वो अपने आप को भगवान की तुलना में निम्न श्रेणी पर समझता है सख्य रस में दोनों अपने आप को बराबर समझते हैं भक्त भगवान के अपने आप को बराबर समझता है और वात्सल्य में भक्त भगवान को अपने से निम्न समझता है भक्त सोचता है कि मैं भगवान से श्रेष्ठ हूँ किस दृष्टि से कि भगवान का देखभाल हम नहीं करेंगे कृष्ण का देखभाल नहीं करेंगे तो कृष्ण का क्या होगा इसलिए माता यशोदा डांटती हैं जल्दी से आओ भोजन लेने के लिए आ जाओ तुम क्या कोई लावारिस बच्चे हो ऐसे सड़कों पे घूमते फिरते हो चलो आओ तुरंत आओ खाओ अभी बैठो भगवान को आदेश दे रही है डांट रही है
देखिए भगवान जिनकी हम सब पूजा करते हैं ना, ये बहुत अद्भुत है। जो इस प्रथा से परिचित नहीं है वो सोचेंगे कैसे आपके भगवान हैं, आप उनको डांटते भी होगे, क्या क्या चलता है आपके भगवान के साथ, हा? उनको कोई बांध के रखते हैं, कभी उनको कोई मजाक उड़ाते हैं, कैसे भगवान आपके हैं। हाँ है ऐसे, जिनके भाग्य खुले हैं कोटि कोटि जन्मों की साधन भक्ति करके, जिनको प्रेमी भक्तों का संग मिला है, वह वही मात्र इस भगवत तत्व के चरम सीमा को समझ पाएंगे कि कैसे वृंदावन में भगवान भगवान की तरह बर्ताव नहीं करते हैं, नहीं उनको अच्छा लगता है, बाध्य होकर वो भगवान बनते हैं, नहीं तो भगवान बनने की रुचि नहीं है उनकी कोई। हम बार बार यही कहते हैं, समस्या ये है कि भगवान भगवान नहीं बनना चाहते हैं, और जो भगवान नहीं है वो भगवान बनना चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है। देखिए हाँ, अब क्या करें, तो भगवान कहते हैं मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे ग्वाल बाल बनना है, और मुझे मेरी माँ की डांट सुननी है, और मुझे, मैं चाहता हूँ कि माँ मुझे फिर बांधे, धमकी दे, मुझे छड़ी दिखाए, दंड देने के लिए मुझे धमकी दे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के पादुकाओं को मैं सर पे रख के मैं उनके पास ले जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि ग्वाल बाल मेरे कंधे पे चढ़े, कभी कभी मुझे धमकी दे कि हम तुमको नहीं लेंगे खेल में, ग्वाल बालों के साथ उनका झूठा लेना चाहता हूँ मैं, ऐसे उनके साथ खेलना चाहता हूँ, ये कहाँ मैं भगवान बन गया। बन तो नहीं गए हैं पहले से, भगवान कोई बन नहीं सकते हैं, भगवान हैं सो हैं, जो भगवान हैं वो हमेशा भगवान रहेंगे, जो भगवान नहीं वो कभी भी भगवान नहीं हो सकते, ये बात है। और फिर गोपियों की डांट भी सुननी है उनको, गोपियां भी उनका खूब मजाक उड़ाती हैं, कभी कभी इस तरह से बर्ताव करती हैं कि जो वृंदावन के भाव से परिचित नहीं है वो तो सोचेगा कि ये क्या हो रहा है। बरसाने की लीलाओं को सुनेंगे आप तो आप जानेंगे कि कैसे वृंदावन का भाव है, कृष्ण को बांध के रखते हैं गोपियां, कृष्ण भी उनका मजाक उड़ाते हैं उनको, और छेड़छाड़ करते हैं, तो गोपियां भी सब मिलजुल के 20 25 50 मिलके अकेले कृष्ण को पकड़ते हैं, खूब पिटाई करते हैं। हाँ, उन्हें कैसे भगवान, क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब चीज़ें केवल श्रद्धालु लोगों के बीच में होनी चाहिए, लेकिन भारत में देखिए ऐसे है, बच्चा बच्चा जानता है भगवान के माखन चोरी की लीलाएं, ये सब जानते हैं ना, भगवान थक जाते हैं। बार बार लोग हमसे पूछते हैं, जैसे बच्चे माता पिता को पूछते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो सारे मनुष्य भगवान को अनादिकाल से पूछते आए हमें ये दो हमें ये दो ये दो ये दो, तो भगवान कहते हैं बस हो गया, अभी अभी मैं बच्चा बनूंगा और मैं मांगूंगा, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो इस रस का आस्वादन भी मुझे करना है, तो वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, सख्य रस का आस्वादन करते हैं। तो वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं, मिथ्या अहंकार के कारण नहीं, शुद्ध प्रेम के कारण। और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कभी माता यशोदा, यदि कोई उनको गलती से भी बोले कि आपका बेटा भगवान है, वो कहेंगे तुम बकवास कर रहे हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। नंद महाराज के सामने भी जब ब्रजवासी आए गोवर्धन लीला के बाद में, ये बच्चा है कौन, तो सारे ब्रजवासी बड़े भ्रमित हो गए थे, नंद महाराज हंसने लगे, भाई मेरा बेटा है और कौन है, क्यों इतनी चिंता करते हो। वैसे गर्ग मुनि ने तो नामकरण संस्कार के समय बताया था कि ये बच्चा बड़ा अद्भुत होगा, भगवान नारायण से शक्ति उसने प्राप्त कर ली है,
तो ऐसे कोई आप लोग विचलित नहीं होना, कोई भ्रमित नहीं होना, कृपा मिली है उसको पूर्व जन्मों के, पता नहीं क्या किए हैं, पुण्य वगैरह किए होंगे है। नंद बाबा माता यशोदा केवल सोच रहे हैं कि बच्चा है अपना, उसको डांटना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए, लाड़ प्यार करना चाहिए। तो वात्सल्य भाव में भक्त अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं। तो यह अंतर दास्य, सख्य और वात्सल्य में। और यहाँ पे और एक श्लोक रखते हैं, दशम स्कंद के दो श्लोक रखते हैं वैसे। रामानंद राय, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेयो एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्या स्तनम हरिः। न जाने नंद महाराज ने कौन से पुण्य किए होंगे इतने जन्मों में कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया, और माता यशोदा ने ऐसे कौन से कार्य किए होंगे पूर्व जन्मों में जिनके द्वारा कि कृष्ण उनको अभी माता बुलाते हैं और उनका स्तनपान करते हैं। क्या किया होगा माता यशोदा ने और नंद महाराज ने? तो इनके प्रेम की श्रेष्ठता को, मधुरता को, दिव्यता को और अद्भुतता को व्यक्त करने के लिए ये श्लोक सब बताए कहे गए हैं। वैसे नंद महाराज और माता यशोदा ने कोई तपस्या नहीं की, वो पहले से ही भगवान के माता पिता है। ये माता पिता बनने का जो ये स्थान है ये ऑलरेडी भरे हुए हैं, हम अभी नहीं कर जा सकते उन स्थान, खाली नहीं है वो स्थान अभी। हम भगवान के माता पिता नहीं बन सकते, माता पिता के तरह बन सकते हैं, उस भाव को हम स्वीकार कर सकते हैं, परंतु न तो हम माता यशोदा बन सकते हैं, न नंद महाराज बन सकते हैं, न हम श्री दाम सखा, सुबल सखा आदि बन सकते हैं, न ललिता सखी, विशाखा सखी आदि बन सकते हैं। ये स्थान भरे हुए हैं, केवल इनकी सहायता हम कर सकते हैं और उनके भाव को थोड़ा बहुत स्वीकार कर सकते हैं। तो अब प्रेम भक्ति के बाद प्रेम भक्ति पर आधारित दास्य रस की बात करते हैं, फिर सख्य रस की बात करते हैं, अभी वात्सल्य रस की बात करते हैं, और कहते कहते वो और कहते आगे कहो आर। एहो उत्तम आगे कहो आर। राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। फिर वो कहते हैं कि और एक भी उपाय है, और एक मार्ग है, उद्देश्य है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है, और वो है माधुर्य रस, श्रृंगार रस। ये है भाव श्री कृष्ण और गोपियों का, क्योंकि इस संसार के लोगों को भगवान के धाम का कोई अनुभव नहीं है और ज्ञान नहीं है। अपने इस संसार के सीमित अनुभव और ज्ञान के आधार पर वो भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं और बड़ा अपराध करते हैं, चूक जाते हैं। अपने ही मानसिकता और अपने अनुभव का आरोप भगवान पे लगाते हैं और सोचते हैं कि जो नियम हम पे लागू होने चाहिए वो भगवान पे भी होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। नियम तो भगवान बनाते हैं हमारे लिए, ऐसे नहीं कि हम भगवान के लिए नियम बनाए। तो यहां की नैतिकता और यहां की प्रथाओं को, मर्यादाओं को हमें पालन करना आवश्यक है, परंतु भगवान तो इन सब चीजों से परे हैं, तो भगवान को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान अपने धाम में हैं और वो अपने प्रिय भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, बस यही है। यहां पर सब नीति आदि मर्यादा का विचार होता है, इसलिए यहां पे पुरुष स्त्री के संबंध का अनुभव लोगों को है। तो जब श्री कृष्ण को गोपियों के साथ में देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जैसे यहां पुरुष स्त्री का संबंध है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए,
इसलिए भगवान की निंदा करते हैं या कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं, गोपियों को भी साधारण स्त्री समझते हैं। परंतु यह बहुत उच्च कोटि का स्तर है। अभी रामानंद राय को महाप्रभु उठाते आए हैं, देखिए कहां से कहां लेकर आए, वर्णाश्रम धर्म से लेकर अब इस दसवें स्तर में पहुंच गए हैं, जबकि माधुर्य रस की चर्चा कर चुके हैं उन्होंने। आते 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 फिर यहां तक पहुंचे हैं। यदि ये कोई साधारण बात होती और भगवान कृष्ण का गोपियों के संग के संग में जो लीलाएं हैं वो भौतिक होती इस जगत की तरह है, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि इतने कड़े सन्यासी थे, इतनी सख्तता से वो सन्यास नियम का पालन करते थे, वो भले इस चीज़ को पूजनीय क्यों मानते। और उनके अतिरिक्त इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, जो कि विरक्त थे पूरी तरह से इस दुनिया से, वो भले इन संबंधों को, इन लीलाओं को इतने पूजनीय और आराध्य क्यों मानते। क्या चैतन्य महाप्रभु ऐसे साधारण पुरुष और स्त्री के संबंध में कोई रुचि रखेंगे? संसार के लोग तो ऐसे संबंधों में रुचि रखते हैं, पत्रिकाएं, उपन्यास और समाचार पत्रों में, सिनेमा में देखते रहते हैं पुरुष स्त्री के संबंध, कविताएं लिखी जाती हैं, सिनेमा बनाए जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, इसी के ऊपर सब चलता है, कविताएं भी लोग लिखते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इन चीजों में तो रमण नहीं करते ना, क्योंकि उनको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब यहां के संसार के संबंधों से उनको कुछ लेना देना नहीं है, तो यहां जब वो इतनी रुचि रख रहे हैं इन कथाओं में और इतना आनंद उनको लग रहा है, इनको पूजनीय मानते हैं, तो अवश्य ये कोई विशेष लीलाएं होंगी, साधारण तो नहीं हो सकती। इसलिए हमें जानना चाहिए कि रास लीला आदि को कौन श्रेष्ठ मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु, स्वयं श्री कृष्ण है। यदि कोई उन्हें कृष्ण मानने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम उन्हें सन्यासी तो मानेंगे और एक बहुत बड़े संत के रूप में मानेंगे, जो पूरी तरह से विरक्त थे दुनिया से, तो वो भले राधा रानी और गोपियों का संबंध कृष्ण के साथ जो है उसका गुणगान इतना क्यों करते हैं, ये भी सोचने की बात है ना। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक बार एक गौशाला में आग लग गई थी, तो गाय जो वहां एक गाय अंदर थी तो डर के मारे वो तो भाग गई आग को देखकर। उसके बाद क्योंकि उसके दिल में ऐसे धक्का पड़ गया था, जब भी वो लाल रंग देखती वो गाय तो भाग जाती, क्योंकि उसके मन में ये विचार था लाल मतलब आग। परंतु हर बार जब लाल रंग होता है इसका मतलब ये नहीं कि आग है, परंतु एक बार आग का अनुभव जब कर लिया तब जहां भी वो लाल रंग देखती वो गाय तो वहां से भाग जाती डर के मारे। तो उसी तरह से संसार में हम लोग पुरुष स्त्री के संबंध को देखते हैं, और जब श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में संबंध देखते हैं तो हमारे अनुभव का आरोप लगाते हैं, ये भी वही चीज है जो यहां देखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, ये तो बिल्कुल दिव्य है। संसार के भावनाओं के, संसार के इन तीन गुणों के तनिक भी, लेश मात्र भी में कोई मिलावट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, इन गोपियों का शरीर भी पूरी तरह से आध्यात्मिक है, ये सारे गोपियां भी श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। हम जब इस संसार में आनंद का, आनंद की परिभाषा क्या है, आनंद के लिए हमें किसी दूसरे की संपत्ति चाहिए भोग करने के लिए, ये शरीर भी अपना नहीं है, इसका भोग करना चाहते हैं हम, भौतिक शक्ति का भोग करना चाहते हैं। एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को भोगना चाहता है,
परंतु भगवान जब रास लीला करते हैं या गोपियों का संग करते हैं, श्रृंगार रस का आस्वादन करते हैं, तो अपने से बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति का भोग नहीं करते हैं, अपने ही शक्तियों का भोग करते हैं, और वो भी अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति नहीं। इस भौतिक जगत की शक्ति से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। केवल दूर से अपने दूतों को भेजते हैं, अपने विस्तार को भेजते हैं, वो इस संसार को संभालते हैं। भगवान को कहाँ समय है ये सब करने के लिए, वो तो अभी गाय चराते हैं, रासलीला करते हैं गोलोक वृंदावन में, या थोड़ी वो बैठ देखने वाले हैं कि कौन किस कौन से कर्म करते हैं, किस कर्म के फल को कब किसको देना चाहिए, वो सब विष्णु का काम है। कृष्ण तो वृंदावन में है, वो आराम से गोपियों के साथ में लीला करते हैं। तो जब वृंदावन यहां प्रकट कराते हैं भगवान, उस समय भी भगवान उसी रस का आस्वादन करते हैं जो कि वहां गोलोक वृंदावन में वो करते हैं। तो इस रस को हमें कभी भी साधारण या लौकिक नहीं समझना चाहिए। तो यहां पे कांता प्रेम या श्रृंगार प्रेम का वर्णन जब उल्लेख जब करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और दो चार श्लोक भी कहते हैं वो भागवत के, और आगे चलते जाते हैं। और इसके आगे ना हम कुछ वर्णन करने के लिए सक्षम हैं ना उचित होगा, लेकिन ये 10 स्तर तक हम पहुंचे हैं, इतना काफी हमारे लिए। कहाँ से शुरुआत की हमने? वर्णाश्रम धर्म, उसके बाद कर्म फल त्याग, फिर कर्म त्याग, फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, दास्य प्रेम, सख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, माधुर्य रस, माधुर्य प्रेम। काफी है ना? तो यहां तक ले आए, और यहां से भी आगे 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 ले जा रहे थे उनको, इसलिए आगे चल के रामानंद राय ने कहा कि मुझे ऐसे कल्पना नहीं थी कि कभी कोई ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस तरह की ऊपर की बातें भी कोई मुझे बता सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। परंतु इतना हमारे लिए इस समय पर्याप्त है। तो ऐसे ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद था कि जीवन का ध्येय क्या है, और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों में चलना है, और उसी प्रकार का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त करने का प्रयास करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य यही है, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का उद्देश्य यही है। अनर्पित चरीम चिराग करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयित मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदनः। वो श्री शचिनंदन आपके हृदय में स्फुरित हों और आपको आनंद प्रदान करें, जो कि अब बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, और वो चीज़ प्रदान करने आए हैं जो कि कभी भी पहले उन्होंने किसी भी अवतार में प्रदान नहीं किया था। उन्नत उज्ज्वल रस, वृंदावन के उस विशेष रस को सारे दुनिया को देने के लिए वो यहाँ आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे नाम संकीर्तन करते हुए जाते थे, सब जगह इसी वृंदावन के रस को फैलाते हुए जाते थे, वितरण करते जाते थे। तो केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम इस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष देन है। वैसे हर कलयुग में भगवान के एक अवतार आते हैं जिनकी कांति पीली होती है, पीले रंग के होते हैं, और वो भी नाम संकीर्तन जो युग धर्म है कलयुग का,
उसका उद्घाटन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु और अन्य कलयुग के युग अवतार जो कि पीले रंग के होते हैं, उनमें अंतर है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार ही चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अन्य जितने भी कलयुग होते हैं उनमें भगवान के कोई और रूप आते हैं, वो भी हरिनाम संकीर्तन फैलाते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु एकमात्र अवतार हैं जो कि वृंदावन के प्रेम को वितरण करते हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। ये अंतर है चैतन्य महाप्रभु और भगवान के अन्य अवतारों के। तो आज शाम को हो सकता है तो हम जाएंगे, फिर होगी व्यवस्था। तो आज शाम को हम जाएंगे हरिनाम संकीर्तन के लिए सड़कों में। आप सब आना चाहेंगे? हम सब 500 लोग जितने भी हम हैं, हम सब सड़कों पे जाएंगे। यदि हम शहर के बीच में जाएं तो प्रभाव ज़्यादा पड़ता, लेकिन 500 लोगों को फिर शहर के बीच में ले जाना बड़े बड़े बसों में मुश्किल होगा। जो सड़कें हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं, पुलिस भी शायद अनुमति ना प्रदान करे। तो यहीं पे पास में हम जाएंगे और वृंदावन के रस को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वितरित करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और कल काफ़ी लंबी यात्रा हमें करनी है, जगह जगह जाना है, इसलिए आज थोड़ा हमने एक दिन यहीं रखा, नहीं तो आज भद्राचलम का दिन था वैसे, लेकिन बहुत थक जाते आप सब, इसलिए भद्राचलम नहीं गए हम।